नमस्ते, स्पेस फॉर इसी में आप सबका स्वागत है। मैं स्पेस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। स्पेस फॉर इसी ये जो संस्था है, ये विशेष रूप से 0 से 8 वर्ष आयु के बच्चों के लिए काम करती है, और उसी के संबंध में जो 0 से 8 वर्षों के बच्चों के पालक है, पालक यानी माता पिता है, पेरेंट्स है, उनके लिए, पेरेंट्स के लिए वैसे ही कुछ संस्थाएं जो इस वयोगत के लिए काम करती है, बच्चों के लिए जो 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए उत्तम होगा, और जिसमें हम उसे हम कहते हैं वंडर बॉक्स। तो जिसमें हम कुल मिला के एक वो जो एक्टिविटी बॉक्स है उसमें कुल मिला के 12 साधन हैं बच्चों के विकास के अनुरूप, हमने वो बाजार से ही इकट्ठा की है। तो ये वंडर बॉक्स का मैं उद्देश्य बताना चाहूँगी। तो ये जो एक एक्टिविटी किट है जिसको हम वंडर बॉक्स कहते हैं, उस वंडर बॉक्स में हमने पालक बहुत पेरेंट्स के हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आए थे कि हमें पता नहीं चलता है कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या खरीदें, कौन से खिलौने खरीदें, और बाज़ार में जब जाते हैं तो इतने सारे खिलौने रहते हैं कि हम उनमें से चूज़ नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत महंगे भी होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने एक रिसर्च किया, एक संशोधन किया, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सस्ती हो, ज़्यादा महंगी ना हो, और एक इकट्ठे हम पेरेंट्स को दे सके जो उनके बच्चों के लिए उपलब्ध करवा सके, तो यही हम इस वंडर बॉक्स में लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है, तो इसमें एक सेलोटेप है। आप बोलोगे सेलोटेप और बच्चों के लिए? जी हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त ऐसे रहेगा जिसमें बच्चों की बहुत गतिविधियां हम ले सकते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। तो सेलोटेप के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये मेरा सबसे फेवरेट है। इसके अलग अलग शेप्स हम बना सकते हैं इसको, सेलोटेप को जोड़ के, तो वो हम फर्श पे बना सकते हैं, किसी कार्डबोर्ड पे स्टिक करवा सकते हैं, या तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्पेस हमारे घर में होगी तो वहाँ पे हम दीवार पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो उत्तम जो जगह है हम फर्श पे लगा सकते हैं, जो हम रिमूव भी कर सकते हैं। और दूसरा रहेगा जो फिर से मेरा फेवरेट, ये है कि हमने इसमें 2 मैप्स दिए हुए, मैप्स यानी नक्शे, जिसमें हम महाराष्ट्र में रहते हैं इसलिए हमने महाराष्ट्र का भी मैप ऐड किया है। अगर आप किसी और स्टेट से हो, राज्य से हो, तो आप आपके राज्य का मैप आपके घर में ला सकते हैं, पर इसमें 2 मैप्स दिए हैं, एक भारत का जो किसी भी राज्य में चल सकता है, और ये एक महाराष्ट्र का। तो मैप से क्या, इतने छोटे बच्चों के लिए हम मैप से क्या करेंगे, ये हर एक पेरेंट्स को सवाल होगा, वो सही सवाल है, पर हम जानेंगे कि मैप्स क्यों, किस लिए। तो किसी भी घर में, किसी भी एज ग्रुप के लिए मैप्स बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ किसी भी हर एक घर में मैप्स हो। तो मैप्स को ऐसी जगह पे, सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि मैप्स को ऐसी जगह पे स्टिक कीजिए कि बच्चों को हाथ लगाते आना चाहिए, उनके हाइट पे रहना चाहिए। इसकी सही जगह अगर मैं आपको सजेस्ट, आप पक्का से आपके लिए सोच सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चों का जो कोई रूम होगा, उसका जो दरवाज़ा होगा, डोर, उस पे आप स्टिक कर सकते हो बच्चों के हाइट को देखते हुए कि बच्चे उसको महसूस कर सके हाथ लगाते। इसी जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको वंडर बॉक्स में कलरफुल बीड्स दी गई हुई है, जो कुल मिला के 100 है, 100 बीड्स है, 100 मनी भी हम उसको कहते हैं। तो ये जो मनी है ये हम बहुत अलग अलग तरीके से, 100 मनी यानी इसमें 10 कलर बच्चों को हम दिखा सकते हैं, उसी के साथ हम इसमें बच्चों को गिनती, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें अवगत करा सकते हैं। इसी के साथ उसको अलग करना, अलग अलग कटोरियाँ रख दो, और ये टाइम चलते होगा, एकदम से हम आप ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं ले सकते हैं, धीरे धीरे। पहले बच्चों को सिर्फ
महसूस करने के लिए दीजिए कि किस तरीके से, फिर बच्चे उठाना सीखेंगे, उसे रखना सीखेंगे। या तो कभी कभी ऐसे होगा कि बच्चे सिर्फ फेंक देंगे और उसकी आवाज़ सुनेंगे, और कभी कभी उनको ऐसे बिखरे हुए भी अच्छे लगते। आगे चलते हैं, आगे का है जिसमें दो पजल्स दिए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का पजल है और एक कोई तो भी ड्राइंग है, जिसे हमें उस पजल्स को, उस टुकड़ों को हमें जोड़ना है। तो बच्चों के तार्किक विकास के लिए, लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत, यानी बहुत अच्छा एक्टिविटी होता है। आप कहीं पे भी देख सकते हो बहुत सारे पजल्स हैं और पजल्स के बहुत सारे टाइप हैं। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के टाइप दिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्री जिससे अलग अलग आकार चित्र बना सकते हैं, जो उस पजल्स के पीछे भी बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, एक सैंपल पेज दिया, उससे आप बड़ों के साथ ये गतिविधि करनी, ये एक्टिविटी करनी चाहिए, ऐसे मैं सजेस्ट करूँगी। सबसे लास्ट में है जो एबीसी मैट है, फोम मैट है, इसमें एबीसीडी पूरे ए टू जेड और उसी के साथ 1 to 9 ये नंबर्स भी हैं। इसमें बहुत सरल है कि बच्चे का एबीसीडी का नॉलेज जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम टीवी पे अलग अलग गाने दिखाते हैं, तो उससे अच्छा है कि बच्चों को फील करने दो, ए पे से उंगली घुमाने दो, उसमें अलग अलग कुछ चीज़ें बिठाने दो उस ब्लॉक में, तो बच्चा फील करेगा, सीखेगा कि उसका शेप कैसे होता है। उस पे से उंगली घुमाने दो, बच्चों को जोड़ने दो, उस मैट से बच्चों को ब्लॉक बना दे दो, बच्चे चटाई बनाएंगे खुद के लिए, एक स्पेस डेवलप करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटिव है एबीसी ब्लॉक का, कि जो बहुत मज़ेदार है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत घंटों तक बच्चे इसमें बिजी रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया, बस सच में वंडर बॉक्स ये बहुत अच्छा साधन है, आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे एक्टिविटीज़ भी। धन्यवाद, थैंक यू।